स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, टुडे इज़ ट्यूसडे एंड द डेट इज़ 21 जुलाई 2020। टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू चैप्टर केमिस्ट्री। ओके, तो यू हैव टू मेक द टाइटल पेज ऑफ द चैप्टर केमिस्ट्री, देन वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक्स। ओके, फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ मैटर। मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। These particles are in constant and random motion. यानी matter बनता है छोटे छोटे particles से, जिनको हम atom कहते हैं, और ठीक है, ये particles जो हैं वो move करते रहते हैं। Constant मतलब होता है मुस्तकिल, और random मतलब होता है इधर उधर, किसी एक direction में नहीं बल्कि इधर उधर। दोबारा मैं पढ़ रही हूँ, matter is made up of tiny particles. These particles are in constant and random motion. दीज पार्टिकल्स इंक्लूड एटम एंड मॉलिक्यूल्स। सेकेंड है, वॉट इज एटम, सेकेंड क्वेश्चन आज का। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट इन नेचर। फितरत में, नेचर में जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो है एलिमेंट, और एटम इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। एटम क्या है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है तमाम मैटर का। दुनिया में जो भी चीज़ है वो मैटर है, और एटम जो है वो उसका बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, अच्छा, दुनिया में कितने एलिमेंट्स हैं? दुनिया में तकरीबन 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, तकरीबन 102-106 हैं। ठीक है, जब दो एटम आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन बना तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला H2O तो वाटर बन गया। ठीक है, तो आज का हमारा ये काम है, दो सवाल हैं, व्हाट इज़ मैटर और व्हाट इज़ एटम। ठीक है, ये आपको आज करना है क्लास 7। थैंक यू।